ये जो पूरा का पूरा संसार है ये अनपेक्षित घटनाओं के साथ भरा हुआ है, जहां पर सब जगहों पर आप अनअपेक्षित घटनाओं को होता हुआ देखते हैं। तो हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है, और जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। तो इसलिए ये पूरा संसार भौतिक जगत बनाया गया है हमें इस बात को सिखाने, समझाने, स्थापित करने के लिए कि हम यहाँ के नियता नहीं हैं। इसको नियंत्रित करने वाला, इसको चलाने वाला कोई और है, जैसे कि कठपुतली वाला कठपुतलियों को जब चाहे उठाता है और जब चाहे नचाता है, जब चाहे बिठाता है, जब चाहे जैसा चाहे वैसा वो कर जाता है। उसी प्रकार से जैसा कि एक कठपुतली वाला कुछ भी कर सकता है, वैसे भी इस सृष्टि के निर्माता के हाथ में हम सब कठपुतलियों के ही समान हैं। तो हम सब चाहते हैं कि ये प्रकृति, ये संसार, ये भौतिक जगत हमारे साथ शांतिमय तरीके से व्यवहार करे, हमारा जीवन सुविधामय, शांतिमय बना रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये जो भौतिक शरीर हमें प्राप्त हुआ है हमारे कर्मों के परिणामों के अनुसार, ये भौतिक शरीर हमें मिला है कष्ट देने के लिए। इसीलिए इस भौतिक शरीर को कलेशदा, कलेशदा शब्द का अर्थ है ये दिया गया है ताकि हमको कलेश मिले। कलेशदा, कलेश प्रदान करने वाला, अविद्या जाल या विद्या का जाल है ये, कलेश प्रदान करने वाला है। तो ये शरीर सुख शायद ही थोड़ा देता है, लेकिन दुख भर भर के पूर्ण रूपेण हमको प्रदान कर देता है। इसीलिए ये भौतिक जगत और ये भौतिक शरीर में होना ही अपने आप में कठिनाइयों का, चुनौतियों का एकमात्र कारण है। तो जब हम भगवान से अलग हटकर भोग करने की इच्छा करते हैं, तो स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां स्वाभाविकता प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए इस जगत को दुखमय बनाया गया है ताकि हम सब भाग कर भगवान का आश्रय लें, क्योंकि वैसे नहीं जाएंगे तो फिर कष्ट के कारण जाएंगे, दुख के कारण जाएंगे। और जितना हम अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़कर चलाएंगे, उतना हम इस संसार में कष्ट का कम अनुभव कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ, जितना अधिक हम भगवान से अलग जाकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने जा रहे हैं, उतना ही अधिक कष्टों को हम अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं।